फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9 लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन ओवर हीट होता है तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का फाइल का ऐप ओपन करना है। ये वाला इस ऐप में नीचे की साइड आपको एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके फोन की ब्राइटनेस अगर फुल रहती है ना, तो इससे ब्राइटनेस फुल होने से भी हमारा फोन धीरे धीरे ओवर हीट होता है, तो आपको ब्राइटनेस को उतना ही रखना है जितने आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन को 1-2 घंटे या इससे ज्यादा देर तक कंटिन्यू आप अपने फोन को यूज करते हैं और इसके तुरंत बाद अगर आप मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो इससे आपका फोन ओवर हीट होगा। ऐसा नहीं करना है, आपको मोबाइल फोन को थोड़ा 15-20 मिनट या आधे घंटे का रेस्ट देना है, उसके बाद चार्जिंग पे लगाना है। ठीक है, और देखिए एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जब भी आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपके मोबाइल फोन का पीछे वाला कवर केस आपको हटा के लगाना है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपका मोबाइल फोन जो है ना, हमारा सबका मोबाइल फोन जो गर्मियों के सीजन में रखे अपने आप ही गर्म होने लगता है, क्योंकि मोबाइल फोन के चारों ओर का जो एनवायरमेंट होता है वो गर्म होता है। ठीक है, तो गर्मियों के सीजन में अपने मोबाइल फोन को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर थोड़ी ठंडक हो। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार और रीसेट आपको लिखना है, तो आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी।